नमस्ते स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्लास सेवन के साथ. फर्स्ट आई एम योर साइंस टीचर श्याम कुमार. आई विल टीच यू साइंस. फर्स्ट इन फर्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सिलेबस and which type of question are going to ask in your half yearly or annually examinations and a school examinations or you can say a class test. Okay, so let's start with syllabus. First of all, I want to explain about science. Okay, do you know about science? What is science? Anyone? See, science means it is complete study. Are you getting my point? Complete study of anything, either living or non-living. Is it clear? Complete study of anything, maybe living or non-living or anything, is generally defined as science. But in modern concept, this definition is changed. Now definition become the systematic and complete study of, including observation as well as experiment of anything, maybe living or non-living, is defined as science. Are you getting my point? I repeat in Hindi. See, कोई भी ऐसा ब्रांच या कोई भी चीज के बारे में आप बात करें, क्लियर है, जिसमें आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज का, जैसे मैं पेन की बात कर रहा हूं तो पेन पे ही, या मार्कर की बात कर रहा हूं तो मार्कर का पूरा स्टडी करेंगे, इसका क्या क्या हो सकता है, कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, क्लियर है, इसका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या क्या ये हमारे लाइफ में यूजफुल है, क्लियर है. तो मतलब एक्सपेरिमेंट भी, ऑब्जर्वेशन भी और इसका कंप्लीट स्टडी, साथ साथ सिस्टमेटिक, तब आप उसको बोल रहे हैं साइंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई रिपीट इट, द कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक स्टडी इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनीथिंग आइदर लिविंग और नॉन लिविंग इज डिफाइंड एज साइंस. आर यू, इज इट क्लियर? ओके, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन. The systematic and complete study including experiment and observations of anything may be living or non-living is called as science. Is it clear? In science, there are three parts generally: physics, chemistry, and biology. I will teach you chemistry. Okay. Yeah, first of all, I would like to introduce about the term chemistry. What do you mean by chemistry? The branch of science in which we study about chemical and its reaction. Is it clear? The branch of science in which we study about chemical and its reaction is called chemistry. Okay. So write down definition of chemistry. The branch of science in which we study about chemical and its reaction. Is called chemistry.
So I am going to teach you, okay, I am going to teach you chapter number 3, that is chemical reactions, okay, chemical substance and process. It is you have to study, okay. See, in this chapter we have to study about first substance, atom, molecules, solid, liquid, gas and matter, and types of reaction, that is displacement, neutralization, combination reactions, like this. So let's start with our first topic, which is atom. Dear student, do you know about atom? समझिए आप बात को अच्छे से. कोई भी ऐसा पार्ट एटम को जिसको ना तो आप देख सॉरी कोई भी ऐसा पार्ट मैटर का जिसको ना आप देख सकते ना आप उसको टच कर सकते ना उस जब टच ही नहीं करेंगे तो काट कैसे सकते ना देख सकते ना टच कर सकते ना काट सकते ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना बना सकते ना तोड़ सकते उसको उसी पार्ट को एटम कहते हैं. तो इसको शॉर्ट में लिखना हो तो लिख लेंगे इट इज अनडिविजिबल इट इज इन डिवि इट इज इनडिविजिबल. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स. व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल्स? इट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एटम. जैसे ये मान लो एटम है और हम इसको दो एटम्स को मिला दें तो इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. आई बात समझे? ये दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिक्स कर दीजिए क्लियर है उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. इज इट क्लियर? दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स मीन्स इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एटम. इज इट क्लियर? राइट डाउन डेफिनेशन. इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एटम्स. जैसे देखिए यहां पे H2O, इसमें कितना एटम है? हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम. H मीन्स हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन. तो यहां देखिए हाइड्रोजन दो है टू और ऑक्सीजन एक है तो एक से ज्यादा दो से ज्यादा एटम्स हुए इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. ओके अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स है या नहीं? दिस इज मॉलिक्यूल्स आर नॉट? तो है. इसमें कितना हाइड्रोजन दो है सल्फर एक है और ऑक्सीजन कितना है चार. तो टोटल कितना हो गया? फोर फाइव और टू सेवन. सेवन एटम्स आर देयर सो इट इज मॉलिक्यूल्स. ओके इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.